बार कामयाब हो जाऊँ, हमेशा मेरा पोपट होता है। आए नहीं अभी तक, उनको पता ही नहीं होगा कि मैं छत में हूँ। 10 मिनट हो गए ऐसे खड़े खड़े, आए नहीं। फ्रेंड से मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि सनी को तो फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं कहाँ हूँ। इतनी देर मैंने सनी भाई का वेट किया कि आएंगे तो मैं ऊपर डराऊंगी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे बैठे हुए हैं। मुझे लगा आएंगे पूछेंगे कहाँ है, और मेरा पचका हो गया। हमारी किस्मत में प्रैंक है ही नहीं, हमने उनको ऊपर बुलाया, वो हमें कह रहा है तुम नीचे आओ। हमने सोचा ऊपर बुलाएंगे, ऊपर थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन और हम सोच रहे जब आप बाहर से आते हो तो भागते चले आते हो, हम छत में खड़े प्रैंक करेंगे, प्रैंक करेंगे आधे घंटे पसीने में। वो आ गई है समा भाभी, तो वहीं से बैठ गया। मुझे ढूंढते ढूंढते मैं उसको डराऊंगी। मुझे डरा रही? हाँ डरा तू मुझे। चलो हम नहीं जा रहे। क्यों? मैं जो तुम्हारे गुस्से से तुम्हारे इससे परेशान हूँ। नहीं जाओ, घर के अंदर रहो, कमरे बंद करके बात वहाँ लगा दूँ। ठीक है नीचे सोचो, जाओ। मेरी जिंदगी तो सही में ऐसे तुम Want to find cheap hotel rates? Agoda. Download the Agoda app today. तुम बताओ ना, तुम इधर देखो, तुम देख रही हो ऊपर रही, बताओ ना। मैं? हाँ अच्छा खासा मैं नीचे आके सो गया हूँ, अगर आप 5 मिनट के बजे तुम्हारा क्या बिगड़ गया? तुम्हारा नहीं मान रही, नहीं मान रही। मुझे क्या पता तुम जब आती ऊपर से? हम ये आप कहीं से भी आते थे, भाग के आते थे, मैं कमरे में आते थे, आते थे कमरे में। अब मैं बार बार सोचती हूँ, मतलब मैं बैठी हूँ इंतजार में कि डराऊंगी डराऊंगी, पूरे फिल्म लेके रख लिए कि अब ऐसा नहीं आएगा, डराऊंगी उसको, छुपी हूँ पीछे उसके। तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा लोगी? आपको ये तो लगता था कि सनी मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएगा ऊपर। भाई तुम थोड़ी ही सही जगह बैठ के लगे जाओ। हाँ ठीक, चलिए जाओ, निकल जाओ। कहाँ निकल जाओ? तुम्हारे घर ना मेरे बेटा निकल जाओ। समझ क्यों नहीं बात को यार? भाई मेरे बेटा में तुम्हें तुम्हें हर जगह बिल्कुल बच्चों से ट्रीट करता हूँ, ये खा लो वो कर लो। मुझे कैसे पता कि तुम ऊपर क्या सजाए बैठी हो? कम से कम गर्मी पूरा मेरा कुर्ता पसीने से गीला हो गया, छुपी बैठी हूँ दीवार के पीछे कि अब सनी मुझे ढूंढते हुए आएंगे। तू है तो पूरा बंदर बंदर है। अब आप जाओ, तो नीचे सो जाओ। आप जाओ कहाँ जाए? नीचे अकेले सो लोगे ऊपर? हाँ भैया अभी तो जाओ, मुझे पता होता ना तो मैं करूँगी, तो बम्बई से लेके नहीं आता हूँ तुम्हें यहाँ पे। मैं बम्बई नहीं लेके जाऊंगा, अपने मामू को बुला चली जाओ, मैं नहीं छोड़ने जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। एक बात सुनो, मम्मी के पास जा रहा हूँ, जाके बोल दूँ अल्लाह के कसम खा रहा हूँ, देख लो ड्रामा कर रही है, कौन सी बात सही लग रहा है तुम्हें? अपनी मर्जी से आप लोग, अच्छा तुम्हें नहीं लग रहा है? मुझे इतने दिन ठीक था, अब ज्यादा हो रहा है। कहाँ ज्यादा हो रहा है? मतलब अब लग रहा था कि चले जाएंगे। अच्छा तो लड़की ससुराल में रहती, उनका क्या है? नहीं क्या नहीं, तुझे कहीं कुछ खाया क्या? नहीं। तुम्हें किसी को महकाया है? नहीं। क्यों? तुम्हें किसी से बात हुई क्या? नहीं किसी को कॉल नहीं आया। कौन बताएगा सर पाल की बातें? ठीक है तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ भाई, मैं मोहर्रम के बाद ही तुम्हें लेके जाऊंगा। नहीं आप चलो। कहाँ चलो? बेटी का लगे में चार पाँच दिन। चार पाँच दिन? हाँ। अब मैं अकेले रहूंगा यार। हाँ। चार पाँच दिन छोड़ दूँ बेटी का लगे। सुनो मैं ज्यादा ना मेरा दिमाग मत खराब करना, बता रहा हूँ तुम मगर चले क्या भी नहीं लियो, मैं छोड़ा तो ले जाओ। अब जाओ नीचे। टकलो मारूंगा। तो मोटर क्यों से कर रही? अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया? अच्छा नहीं। तूने चला नहीं बात किया? ऐसे किसे गुस्सा आ रहा है? नहीं। हाँ।
अगर दिन में अगर 2 घंटे के लिए बाहर जाता हूँ उसमें भी तो तकलीफ है तुम्हें। क्या अगर दोस्तों को छोड़ दो अपने छोड़ दो सबको फिर घर में कुछ चूड़ी बना दो किससे बताएगी उसको पता है हर नियम झगड़ा होता है नहीं तुम गलत कर रही हो यहाँ पे तुम गलत हो यहाँ पे नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी बस ठीक है अब क्या है अब क्या चाहिए खाना मिल रहा है नमाज पढ़ रही है अब क्या दिक्कत है बस यही जिंदगी है जिंदगी यही है बेटा सुकून से खाना मिल जाए इंसान को इंसान अपनी बदल जिंदगी असली यही है। अरे मेरी माँ किसने कहा था मेरी मतलब ज्यादा दबाव मिलती सोन में चल मम्मी सामने कह चल चल नहीं मम्मी सामने चलो नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा बेटा एक बार सुन प्यार में जुलाब में नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में पारा है बाहर हो रहा है समझ लिया आपस में बोल रहा हूँ तो फोन क्यों करके बोल रहे हो तो कैसे बोलूंगा नीचे जाके तुम चलो हम नहीं जाएंगे मैं जाऊँ कुछ दिल्ली बाहर पहुंच जाओ करना तुम बोलो मेरे खबर भेजा नहीं ठीक है तुम्हारे तरह आ करता है अभी मत बोलना पेटी का लगिया छुड़वा दो तो भाई तुम देखकर क्या है हमने क्या बोल रहे क्या बोला इसे कुछ तो मुंह से बोला किसी से क्या कुछ नहीं क्या है मुंबई जाना जरा खोटू दबा दूंगा बता तभी तो मैं कहूँगा अच्छा खासा घर छोड़ के गया हूँ मैं उसके बाद कह रही है कि मुझे जाना है नहीं सालू सालू नहीं नहीं सुनो तो मैं वहाँ क्यों तो ऐसे बोला तो मैंने क्या हंस के बोला ऐसे झगड़ा हो रहा था तो अच्छा हुआ जब ज्यादा झगड़ा हुआ नहीं है सॉरी जाना मुझे मुंबई और मुझे बहुत तेज मार दी सच में इंतजार किया तुम्हारा क्यों नहीं आया अब आऊंगा बता दिया कर तू बयान के लिए बैठा था वहाँ पे जिन्नत कैसे डरा था मैं इधर सर छुपी थी दीवार के सीढ़ियों के इधर अब वहाँ से आते बिजली हूँ तभी हम आ गए किचन में और जब हम उस दिन ग्रोसरी का सामान लेने गए थे तो ये मैक्रोनी का पैकेट लेके आए थे जैसे बना के देखते हैं कैसे बनती है तुमने बनाई है कभी देसी स्टाइल वाला बनाएंगे सबसे पहले प्याज कट कर लेते नहीं नहीं सबसे पहले इसे बॉईल करने रखना पड़ेगा ना अरे सब जन यही बैठी होगा अरे सही पप्पा खाना निकला नहीं खिलाया हम पप्पा लोगों के पास बैठे थे इसने बॉईल होने लग दी मैक्रोनी मुझे लग रहा है वो ज्यादा ना बॉईल हो गई तो उससे क्या होता है ज्यादा बॉईल हो जाएगी तो फिर चिपचिप हो जाएंगी उसने सोचा मैं अच्छा काम कर दूं ज्यादा बॉईल कर दी आपके लिए स्पेशली इसलिए बना रहे क्योंकि ये सूजी की बनी हुई है सूजी की मैदा नहीं है हमने सोचा आराम से रात तक बना लेंगे पप्पा उसके ऊपर आ गए थे तो बीच में गैस बंद करके पानी को छोड़ के चले गए इस क्वालिटी में अंदर बैठने में हम लोग के पास बैठ ये एक छोटे से शहर के बोर्डिंग स्कूल के दो टीचर्स की कहानी है तो इसने सोचा मैं अच्छा काम कर दूं कभी कभी अच्छा काम ही बुरा हो जाता है बेटा लेकिन चलो ठीक है बना के ट्राई करते हैं सनी को बाहर का खाने के लिए मना किया इसलिए मैंने सोचा मैं घर में ही कुछ ऐसा चटपटा बना दूं ताकि इसको क्रेविंग ना हो कुछ खाने की लेकिन आप कुछ बाहर से खा गए आपको मुंह बता रहा नहीं मैं लैया खाई मैंने लैया और नमकीन खाई बस मैक्रोनी बन गई और मुझे लगता है मैक्रोनी मेरा
बट फर्स्ट टाइम बनाई है, तो अभी इसको ढक देते थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर रूम में चलते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हुआ है। चार भाई नीचे लेके जा रहे हैं संभल के। अच्छा भाई आ गए भाई, सामान लेके हमारा लखनऊ से। लाओ भाई निकालो निकालो भैया हमारा सामान। अरे आपके लिए देखो क्या मंगाया है, दही बड़े। खाना खाओ ना। मुझे भूख नहीं लग रही है, थोड़ी इसने मैक्रोनी तो खाई लेकिन मूंग की दाल देख के इसकी भूख उड़ गई। बेटा मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है, खाया करो, सच बता रहा हूँ मैं। एक रोटी खाओ, एक रोटी, ऐसे नहीं करते तो रात में नींद नहीं आएगी। अगर ये खाना नहीं खाएगी तो इसको हम छोड़ने में ले जाएंगे। ये देखो ये भाई यार, ये दशहरी देखो, दशहरी बड़ा बड़ा भाई। चालू ये दशहरी देख के बताओ इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी। ये बहुत खट्टा और कच्चा है, दिल तोड़ दिया भाई इसने मुझे। तो सबा इब्राहिम अपने बहू होने का पूरा फर्ज निभाती हुई दही बड़े अपने सास को, अपनी बुआ सास को। चलो ठीक है, ये मूंग की दाल नहीं खा रही है तो कह रही है मैंगो खा लेती हूँ। खाओ और जाओ, कल सुबह स्कूल है। ये बताओ मैक्रोनी का रिव्यू दे दो, कैसी बनी थी? बस उसमें थोड़ा सा नमक कम था, बाकी अच्छी थी। ये 3 माह से खाने में लगे हैं, एक बड़े कटोरे में खा रहे, छोटे कटोरे में ये आम खा रही है। ये बनाई है मैंने, फर्स्ट टाइम बनाई है। बहुत लाइट, तुमने कम मसाले की बनाई है, थोड़ा और चटपटी होनी थी। ये क्या कर रहे हो? रोटी से खाता, रोटी से कोई नहीं खाता। फ्रेंड्स आपने कभी ऐसा किया, रोटी से मैक्रोनी खाई है कि नहीं खाई है? कभी ऐसा ऊट पटांग कॉम्बिनेशन आपने किया लाइफ में? कभी लाइफ में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैंने पराठे के साथ केला जरूर खाया है लेकिन ये कभी नहीं किया। The next day. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। आज हमें कुछ काम भी है घर के, तो बस वही करने के लिए हम बाहर निकल रहे हैं। तो हमें ना बाहर का थोड़ा ठीक करना है, गद्दा भी ना बहुत पुराना है, टूटा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा कोई आए तो उसको ठीक करना। बारिश का मौसम तो ऐसा लग रहा है गायब ही हो गया, इतनी तेज धूप निकल रही है। फ्रेंड्स प्लॉट पे आए देखने के लिए कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दीवार बन रही है, दीवार बनेगी। रूम कहाँ बन रहा है? यही तो पूरा रूम है, पूरा ही ऐसे। अच्छा इधर फ्रेंड बहुत गर्मी है आज, बहुत हमें समझ लो आज पहले दिन लग रहा है कि बहुत गर्मी है। ये तो पूरा हिल रहा है आराम से ना। गद्दा तो गद्दा होता है, कैसा भी ले लो। तो फ्रेंड अभी गद्दा हमने ले लिया, बहुत बुरी गर्मी हो रही है, ऊपर से देखिए टीना छाई हुई है। रोटी सिक जाएगी, मर गए फ्रेंड्स, मर गए। जल्दी से कार में आके बैठे हैं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। आ चुके हैं घर और ये देखिए मस्टर्ड सीड्स, मतलब राई है, इससे सरसों का तेल निकलेगा। ये सूख रही है अभी पूरी और इसे सबसे फ्रेश फ्रेश सरसों का तेल निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स ये आज बाहर का आंगन का एरिया हमने सोचा है कि हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करें या क्लीन करें, डीप क्लीनिंग करें। अभी आप देख सकते हैं ये पहले का लुक है, थोड़ा सा बहुत मैसी लग रहा है तो इसे ठीक करते हैं आज। मेरे भी निकाल देना अगर मेरे कुछ ऊपर रखवा देना, ठीक है। फ्रेंड आज चल रहा है सफाई अभियान और इस सफाई अभियान को सभा कर रही है लीड। ये देखो भाई आज चल रहा है रगड़ा। अभी नीचे आधी सफाई हुई है, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि घर अंदर तो ठीक है लेकिन बाहर एंट्रेंस पे ना वो जो पुराना वाला सिस्टम है वही चल रहा है, मतलब पोछे बाहर सूख रहे हैं। घर गंदा नहीं है, सफाई होती है लेकिन चीजों से ना घर गंदा लगता है। दावत में जाना है तो पहले रेडी हो जाते हैं, नहा लेते हैं और उसके बाद फिर आके कर लेंगे। दावत में जाने के लिए फ्रेंड्स रेडी हो गई है, थोड़ी बहुत क्रीम लगाई है, मुझे लग रहा है जाते जाते वो भी निकल जाएगी और ये चूड़ियां भी पहन ली। तुम्हारे पेड़ भी आ गए, नहीं नहीं स्टैंड नीचे रखेंगे इसको। तो चलो 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 आराम से आराम से चलो। उनको भी बैठा लीजिए। कैसी है? बहुत प्यारी, इतने अच्छे। मैं उनको बोल के आई हूँ आप लोग भी आना। क्लीनिंग हो चुकी है फ्रेंड्स और अब सब क्लीनिंग हुई है तो सोचा कि पौधे तो ले आते हैं। पेड़ आ गए, यहाँ पे देखिए मिट्टी भी आ गई है और ये लोग इसको गमले में डालेंगे। सारा बजे नींद पूरी हो गई, तबीयत खराब है क्या? बुखार है? बुखार नहीं है। देखो आ गई बेडशीट, इलास्टिक वाली है, खिसकेगी भी नहीं। आप उनको देख के ऐसे सोच रहे हो, आपने भी बचपन में यही किया होगा, तुमने भी किया है? क्या बोल रही हो? पूछा वो शक्कर की चाय पीते हैं, वो कह रहे हैं हम लोग मोदी हैं, ज्यादा शक्कर वाली चाय चाहिए हमको। अरे भैया चाय बनेगी कि नहीं बनेगी आज की डेट में यार? खोलनी चाहिए। दिन भर से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, घर पे भी मेहमानों के सिलसिला आना जाना जो है वो लगा हुआ है। कम ले आए, वो सब लगाया, फाइनल लोग इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे हम लोग जब पूरा हो जाएगा। फिर हम उसी के लिए कुछ छोटी मोटी चीजें लेने आए। चलते हैं। अब ये देखना हमें जो चाहिए वो मिलता है कि नहीं, शॉप पे चल के देखते हैं। डलिया तो मिल गई है लेकिन अलग अलग कलर की मिली है। पन्नी निकाल के खा लो। अच्छे से खा लो।
अच्छा शादी में नहीं पहना तो अभी पहन लिया। एक फोटो खींच लो। ये एंगेजमेंट का है। रख दे भाई, हमारी तो हुई नहीं थी। अब रख दो, होगी भी नहीं, कर सकते हैं। नहीं होगी, नहीं होगी। मम्मी को बना लेगी, चलो तुम चलो। हमारी मम्मी तो कुछ बना देती, बनाओ तुम बनाओ। चलो मम्मा कह रही गर्मी में परेशान होगी। फ्रेंड आज हमने अपने पापा की बाल्टी फेंक दी जिसमें पापा हमारे पान खा के थूकते थे, उन्होंने उसके लिए इतना बवाल कर दिया, इतना बवाल कर दिया। अभी भी मम्मी से लड़ रही, तुमने हमारी बाल्टी फेंक दी। कह रहे सवाल तुम लोग ने मिलकर मेरी बाल्टी फेंकी है। आज हमने क्लीनिंग की तो हमने सोचा वो बाल्टी हटा देंगे और कोई बंद वाला डस्टबिन लाएंगे। जितनी भी क्लीनिंग कर रहे हो वो बाहर ऐसे गंदा रखा रहेगा, लेकिन पापा ने आज जो गुस्सा दिखाया उस बाल्टी के। ये पुराने लोग ना, ये पुराने लोग ऐसे ही होते हैं, इनको लगते हैं, इनको लगता है कि हमारे घर से कोई सामान बाहर ना जाए, घर में ही रहे। आंसू प्याज लग रही है। रहन दो, तुम मत करो, तुम रो नहीं। तुम नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और